भिवाड़ी में आज राजस्थान परिवहन निगम की दो बसों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसके चलते दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायल को राहगीरों ने बसों में बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। वहीं दोनों बसों के ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से अलवर जा रही रोडवेज बस अलवर से आ रही एक अन्य बस से खिजुरीवास गांव के पास टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि सवारियां बस से निकलकर बाहर गिरने लगी। इसके बाद चीख पुकार मच गई। मौके पर एसएसपी राजेंद्र खोत और डीएसपी नेमीचंद खारिया पुलिस जब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। रोडवेज की दो बसें थी जिनके बीच में टक्कर होने से दुर्घटना हो गई थी। हमें सूचना मिली, हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पता किया 10-12 लोग घायल हो गए थे जिनको अस्पताल पहुँचा दिया। वो अस्पताल हमने भेज रखा है, वो वहाँ से रिपोर्ट आएगी तब पता पाएंगे सीधे से। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई लोग पानी की सही निकासी नहीं होने पर रोड पर ही पानी छोड़ देते हैं। इसके चलते सीसी रोड पर वाहनों के टायर स्लिप हो जाते हैं और हादसे हो जाते हैं।